हेलो दोस्तों, आज हम आपको सलेमाबाद शिव मंदिर के बारे में बताएंगे। इस मंदिर में पिछले 15 सालों से रोज नाग आकर करता है शिव जी की पूजा। किसी मनुष्य द्वारा देवी देवताओं की आराधना करना एक सद्गुण माना जाता है, लेकिन अगर यही गुण किसी पशु या अन्य जीव में दिखाई दे तो इसे किसी आश्चर्य से कम नहीं समझा जाता। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव को नाग बहुत प्रिय है। वे गले में हार के स्थान पर नाग को ही धारण करते हैं। भारत में भी नाग पंचमी के दिन नाग की पूजा की जाती है। भगवान विष्णु शेष नाग की शैया पर शयन करते हैं। क्या भगवान का नाग उनसे विशेष संबंध है? विज्ञान और अध्यात्म की इस बारे में अलग राय हो सकती है, लेकिन कुछ घटनाएं पुनः इस प्रश्न पर चिंतन के लिए विवश कर देती हैं। उत्तर प्रदेश के आगरा के पास स्थित एक गाँव है। सलेमाबाद गाँव में एक प्राचीन शिव मंदिर है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ पिछले करीब 15 वर्षों से एक नाग रोज आकर भगवान शिव को नमन करता है। इस मंदिर में दूर दूर से श्रद्धालु शिव जी की पूजा करने आते हैं, लेकिन नाग का इस तरह आना जिज्ञासा का विषय बना हुआ है। यह नाग रोज मंदिर में आता है और करीब 5 घंटे तक यहाँ रुकता है। नाग सुबह 10 बजे आता है और शाम को 3 बजे वापस लौट जाता है। इस अवधि में यह शिवलिंग के पास ही बैठा रहता है। यहाँ आसपास के गाँवों में भी इस नाग की चर्चा है। इससे श्रद्धालुओं को कोई भय नहीं है और न इसने कभी किसी को नुकसान पहुँचाया। हालाँकि नाग के मंदिर में प्रवेश करने के बाद मंदिर के द्वार बंद कर दिए जाते हैं। इस दौरान कोई और व्यक्ति मंदिर में प्रवेश नहीं करता। 3 बजने के बाद नाग वहां से चला जाता है। उसके बाद ही लोग मंदिर में भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने जाते हैं। किसी सब का इतनी लंबी अवधि से रोजा मंदिर में आकर शिवलिंग के पास रुकने को यहां के लोग आश्चर्य से ज्यादा श्रद्धा का विषय मानते हैं। इस वीडियो में इतना ही। हमारी और भी आश्चर्यजनक अद्भुत एवं रोमांचक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।